हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। आज हम खेल रहे हैं कॉन्ट्राबैंड पुलिस, और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी खड़े हैं अपने स्टेशन पे। ये हमारा स्टेशन है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, और हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जितनी भी आप देख रहे हो पीछे तक, ये सब ये ट्रक वगैरह लगाए आते रहेंगी गाड़ियाँ से पूरे टाइम। और हमें क्या करना है कि हमें पता लगाना है कि ये जो गाड़ियाँ हैं, ये कोई मतलब सामान वगैरह जो इलीगल है वो तो नहीं कैरी कर रही हैं, और जो भी हमें गाइडलाइंस देगी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट उसको हमें फॉलो करना है। जैसे ये यहाँ पे हमारे लिए गाइडलाइंस लिखी जाएंगी इस पूरी जगह में, और उनको हमें रोज़ पढ़ना है डेली बेसिस पे। और रूल्स चेंज होंगे कभी कभी, दिन में महीने में होते रहते हैं, जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वैसा होगा। और अभी एक गाड़ी आ रही है, उसकी हम चेकिंग करते हैं आज। ये देखो आ गई है एक ग्रीन कलर की, ये कोई तो गाड़ी है, जीप टाइप की है। आओ देखते हैं, आज कुछ अलग तो नहीं लिखा है। कार्गो लिस्ट, एक कलर दो, ये तो गाड़ी का कलर ग्रीन है। ओहो भाई साहब आ गए, डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई। हाँ, ज़रूरी है भाई, डॉक्यूमेंट के बिना कैसे होगा। हम जैसे कि अभी हमें क्या करना है, मैच करते हैं हम पासपोर्ट की और ये जो परमिट है वो मैच करती है या नहीं। जो नाम है इनका, ये बता रहे अपना रफिक इब्राहिम है इनका नाम, और रफिक इब्राहिम, चलो स्पेलिंग तो सही है, यहाँ तो नाम मैच है। पासपोर्ट नंबर देख लेते हैं हम, F52P38P89, ये भी मैच हो रहा है। और वैलिडिटी तो मुझे लग रहा है, ओ शिट, ये वैलिड नहीं है यार, एंट्री परमिट इनका वैलिड एंट्री परमिट नहीं है यार, पासपोर्ट भी इनका वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है इनकी भाई साहब की, और इसकी वजह से हम इनको एंट्री तो नहीं दे सकते हम, तो इसलिए हमें इनको जाने देना पड़ेगा और मना करना पड़ेगा हमें इनको। बट तब भी हम अभी चेकिंग करते हैं इनके गाड़ी की, कुछ अगर हमें मिलता है इलीगल तो हम इनको कैप्चर करेंगे। अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिखा मुझे, और इनसे बोलेंगे बाहर निकलो, और ये बाहर निकले हैं, सीट वगैरह चेक करेंगे। कुछ यहाँ तो गड़बड़ नहीं रखा है इन्होंने, नहीं यार अभी तक तो नहीं दिख रहा मुझे, आज कुछ फोन रहता है यार। कुछ दिख नहीं रहा इधर मुझे गड़बड़। इंजन में भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला मुझे, तो लगता है इस बंदे को मना करना पड़ेगा और ये जा सकता है, क्योंकि तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है इसके अगेंस्ट, तो मैं इसको जाने दूंगा, मतलब वापस जाने दूंगा, कंट्री में तो नहीं जा सकता ये, क्योंकि इसकी परमिट नहीं है इसके पास। वारास तो शिप का सॉरी भाई साहब, आपको वापस जाना पड़ेगा, आपके पास परमिट नहीं है। अच्छा चलो, ये गाड़ी मोड़ के जा रहा है, ये दूसरी गाड़ी बुलाते हैं। ब्लू कलर तो नहीं है इसका। Dai, se vari sul comandiero. ओके भाई साहब, अपना आप डॉक्यूमेंट दिखाइए मुझे, Proapsharado. Shembo de Topariatka. इनका पासपोर्ट हमारे हाथ में आ गया है। इनका नाम है हारून टोपराक, नेशनलिटी है यूनाइटेड रैली। अच्छा भाई, पासपोर्ट नंबर मैच करा के देखते हैं, मैच है इनकी भी यार, पता नहीं क्यों है यार, इनकी तो परमिट ही नहीं है भाई साहब की, इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रखा है भाई साहब का, इनको हम जाने तो नहीं दे सकते हैं, बट इनकी गाड़ी चेक करेंगे हम। इधर इधर तो हमें नहीं कुछ दिख रहा है, उल्टा सीधा इधर देखते हैं, ये वाली सीट में यार भी कुछ नहीं दिखा। इंजन वाला चेक करेंगे हम, इंजन के आसपास इधर भी हमें कुछ नहीं मिला। नहीं यार, कुछ ऐसा हमें मिला तो नहीं है इनके पास से, बट इनको हम अंदर भी नहीं जाने दे सकते, क्योंकि
चलो इनको मना करना पड़ेगा हमें जाने से। और इनको डिनाई करनी पड़ेगी हमें एंट्री, नहीं दे सकते। वाचो दाइनारा। निकल लो भैया, निकल लो आप, पहले परमिट लेके आओ। चलो चलो अच्छा, चलो 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 ये चलो भाई, अपने $80 हमने कमा लिए हैं। Ci varisco comandiro. क्या ला, डॉक्यूमेंट लाओ भाई साहब। Observado. Sembudo eto pariatko. Meno familia ni ada securo. A ya madre duro et danieza ac depta ya kanyats. Propsach per vosku meno. ओ भाई साहब, ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है इसका परिवार खतरे में है, और ये जो सामान लाया है हमें तो जाने देना चाहिए, बट क्या करें, हमारी मजबूरी है। और ये टायर इतना अजीब क्यों लग रहा है इसका यार, इस बंदे का, ये क्या है? ये टायर नॉर्मल है और ये टायर इतना अजीब क्यों है यार? तो गड़बड़ सा लग रहा है यार टायर में। इधर निकलो भाई, बाहर निकलो गाड़ी से, मुझे चेक करने दो। Wasza robotca. I madre broniezy ta jest. आओ चलो चेक करते हैं क्या क्या माल है, इनको निकलवाना पड़ेगा हमें अलग से, तब हम देखेंगे। ठीक है, मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ यार इस पे, ये क्या हो गया भाई साहब? हाँ चढ़ लिया। ये सब हम सामान निकलवा के चेक करेंगे भाई साहब कि कौन कौन सा माल ये लाया है। अच्छा ये लाया है गैस रेंज, ये सीमेंट की बोरियां हैं, कितनी बोरी लाया भाई साहब। एक ऑयल का कनस्तर, ये क्या है? सारा माल अपना इसका नोट तो कर लिया हमने। सारा माल नोट हो गया इसका, तो देखते हैं ये मिस लिस्ट मैच कर रही है नहीं। 17 सीमेंट की बोरियां, ठीक है। मेडिसिन क्रेट 2 हैं, रेफ्रिजरेटर 1 है, ठीक है ठीक है, सब कुछ तो सही है इनका, बाकी सब ये तो मैच कर रही है। आइए और देखते हैं कौन कहाँ से है ये आदमी। ये आदमी है अपना किंगडम ऑफ एरकेई से, बट हमारी एक मजबूरी है, हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है गवर्नमेंट ने हमारी कि इस किंगडम से कोई भी जो सामान आ रहा है ना वो हमें आने जाने नहीं देना है हमारे कंट्री में, तो मना तो करना पड़ेगा इसको। तो वापस इसका सामान लदवाते हैं गाड़ी में और इसको आदा वापस भेजते हैं हम। आत्मा दूरो थैंक यू भाई साहब। ये भी बंद कर देता हूँ मैं, एक लास्ट बार चेक कर लूँ यार मनसा हो रहा है बहुत। चलो परमिट तो है इनकी। एंट्री रेगुलेशन मैच नहीं कर रहे तो इसलिए हमें वो वापस भेजना पड़ेगा भाई साहब को, सॉरी भाई साहब नहीं जा सकते हैं, हमें आपको डिनाइड करना पड़ेगा, वापस जाओ आप, तुम नई गाड़ी लानी पड़ेगी हमें। तो एक और गाड़ी आ गई अभी, और अरे भाई साहब चश्मा जोरदार लगाया हुआ है यार। डॉक्यूमेंट जमा करो इसी बात पे। डॉक्यूमेंट चलो जी,
वो छोटी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी है यार ये, कैसे फिट आ गया यार ये? पीछे भी सीट है भाई इसमें, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है ये आदमी, ऐसे बोल रहा है कि कुछ इलीगल नहीं है कैरी कर रहा है, तब भी हम चेक करेंगे, क्या पता कुछ तो हो, किसी का कुछ बोल नहीं सकते जब तक हम पूरे हर चीज चेक ना कर लें। बाहर निकले भाई साहब, ओवर नी माद्रे प्रॉब्लम, मुझे चेक करने दो। इधर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, इधर चलते पिछली सीट में, यहाँ भी कुछ नहीं है लीगल। और चलो भाई साहब के डॉक्यूमेंट देखते हैं। बेंदर क्लिच नाम तो सही लिखा है पासपोर्ट पे, और नंबर भी मैच कर रहा है। वैलिड वैलिडिटी भी है, अच्छा भाई साहब। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, किंगडम ऑफ एरकाइस हैं ये, नहीं अलबाक, अलबराक के हैं सिटीजन। चलो इनके लिए तो कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए इनको हम जाने देंगे हम, और इनकी हम एंट्री अप्रूव कर रहे हैं। आज शायद बॉर्डर से, बॉर्डर क्रॉस करने वाले पहले आदमी बन रहे हैं आज के दिन में। बुलाते हैं हमारा ये जो लास्ट बंदा खड़ा है इसको बुलाते हैं। ये हमारे बॉस हैं जो बहुत खुश हैं हमारे काम से और तारीफ कर रहे हैं हमारी। ये आ गई है ब्लू कार, अरे वाह। ये देखो जैसे कि हमें एक नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें कि एक ब्लू कलर की गाड़ी हो सकती है, तो मुझे इस पे शक है अब कि ये वही ब्लू गाड़ी तो नहीं है इसके बारे में मुझे बताया जा रहा है। तो मैं इसके डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, लाओ जरा डॉक्यूमेंट्स लाओ, फालतू की बात मत करो मुझसे। बहुत ही इरिटेटिंग आदमी लग रहा है यार ये तो, मुझे बदतमीजी से बात कर रहा है। डेट तो चलो है, वैलिड है इसका पासपोर्ट, और परमिट भी वैलिड है, एंट्री परमिट इसकी वैलिड है बंदे की, बट मुझे पासपोर्ट नंबर गलत लग रहा है इसका, मिसमैच हो रहा है। और नाम तो सही है बट पासपोर्ट इसका मिसमैच है। और आइटम्स देखते हैं निकलवा के, ये निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं यार। पेंटेड वन कलर, वेकर कलर ब्लू, यार ये वही कलर है मुझे लग रहा है, ब्लू यही है, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, तो मुझे कैप्चर करना पड़ेगा आदमी को यार। बट मेरे पास मैं वही स्मगलर लग रहा है यार ये, तो इसको सीट चेक करते हैं इसकी बंदे की। अरे यार ये क्या हो गया, जगह नहीं इधर से, बाहर निकले भाई साहब। कुछ हमें इधर तो नहीं दिख रहा यार, कॉन्ट्रोबैंड छुपा हुआ। बट तब भी हमें इसको अरेस्ट करना होगा क्योंकि हमें रिपोर्ट दे दी गई है कि यही आदमी हो सकता है और इसका पासवर्ड भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको अरेस्ट करेंगे। ओह शिट यार ये क्या, एक इनोसेंट पर्सन को मैंने अरेस्ट कर दिया, शिट तो मैं वापस जाने देना पड़ेगा यार, ये हमसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि ये वही आदमी है जो कि इसमें लिखा हुआ है, बट शायद से वो आदमी नहीं था ये, तो इंस्पेक्शन जोन हमें खाली कराना होगा।
यार नुकसान हो गया हमारा, हमने जितना प्रॉफिट कमाया था उसका आधा हो गया जस्ट हमारे पास बचा है। और अभी हम करते हैं आराम और कल काम करते हैं बाकी का। आज के लिए तुमने 4-5 गाड़ियाँ देख ली हैं, फिर मिलेंगे हम नए उसके साथ में एपिसोड के और मज़ा करेंगे।